देखने वाले तमाम दोस्तों को बासिर हाशमी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों ने जिस तरह वादा किया था, सीजन करीब आएगा कराची पाकिस्तान का, आपको शौक दिखाएंगे एक मुनफरिद वीडियो के साथ। ब्रीडिंग सेटअप आपके खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो। मेरे साथ मौजूद हैं उसैब भाई। उसैब भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे थे उसैब भाई? देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइए, कराची के कौन सा एरिया जहाँ से आप? कराची का ये एरिया और कितना अर्सा हो गया आपको शौक करते हुए? तो काफ़ी टाइम है ये ब्रीडिंग जो स्टार्ट करी है, लेकिन 3 साल 3.5 साल हो गए इसके लिए, क्योंकि शौक तो हमारे चलता रहता है। अच्छा, देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा, ये आप उड़ाने वाले में भी मौजूद थे शौक में, या फिर ये कि सिर्फ ब्रीडिंग की तरफ ही आपका पहला रुझान आया? पहले जो है उड़ाने वालों में थे हम लोग, तो बराबर में छत से वहाँ से उड़ाते थे, शौक करें वो ख़त्म हो गई। तो ब्रीडिंग के हवाले से थोड़ा सा ये बताइएगा, अभी आपके पास ब्रीडर जोड़े कितने मौजूद हैं? ब्रीडर जोड़े तकरीबन 16-17 ब्रीडर जोड़े हैं, और उसमें से कुछ जो है हमने बंद करना है वजह से, और बस उनके पट्टे हैं हमारे पास, पट्टे तकरीबन 40 के करीब पट्टे हैं, 40 के करीब पट्टे। अच्छा, देखने वालों को थोड़ा सा ये बताइएगा, जिस तरह ब्रीडिंग के हवाले से आपने बताया कि कुछ जोड़े आपने बनाए, तो एक आइडियल सीज़न, एक जिसमें कहना चाहिए अच्छी ब्रीड, कौन से मौसम में ज़्यादातर आप लेना पसंद करते हैं? गर्मी का मौसम होता है या दरमियाना मौसम होता है, या फिर ये कि ज़्यादा सर्दी में? ज़्यादा सर्दी में, सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। वो कैसे? यार ठंडा मौसम होता है इसके लिए, परिंदे भी खुश होते हैं, और गर्मी में बहुत मौसम मसाइल आते हैं, बीमारी वगैरह। सर्दियों में अलहमदिल्ला हमारे पास अभी तक कोई पट्टा ना बुखार हुआ है कुछ हुआ है, सर्दियों में ये है कि अच्छा है। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पर बात आ गई, मैं आप तमाम नए जो शौकीन हैं जोड़ेबाज, उनके हवाले से भी आपको आगाह करूँगा। तो माशाल्लाह कुछ नया परिंदे रखे हुए, वो भी दिखाएंगे। डाइट के हवाले से बताइएगा, परिंदों को आप डाइट में क्या इस्तेमाल करते हैं जब जोड़े लगाते हैं, जब जब बच्चे निकलते हैं? हमारा एक प्रॉपर दाना होता है, वो हम लोग बनवाते हैं। दाने में अमूमन क्या क्या चीज़ें आप डलवाना पसंद करते हैं? दाने में जैसे चना हो गया, सर्दी का मौसम चल रहा है तो अलग दाना होता है, जैसे सरसों हो गई, तेल हो गई, और तेल इस्तेमाल करवाते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं, सर्दी होती है अलग से दो तीन को इलाज देते हैं सर्दी है। और बाकी अपना चना हो गया, सरसों हो गई, कनेरी हो गई, तीन चीज़ें वो जो है मिक्स होती है दाने में, जी वो मिक्स होती हैं दाने में, वो उनको देते हैं। ज़बरदस्त। तो दोस्तों इनका सेटअप आपको दिखाने से पहले छत का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी साफ़ सुथरे रखे हुए। और ये मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि जिस तरह अमूमन ये होता है कि जोड़े जब लगाए जाते हैं तो 2-4 3-4 ब्रीड के बाद जो है मादियों को अलहदा कर दिया जाता है, जिस तरह आप करते हैं? 2-4 ब्रीड निकलवाते हैं, उसके बाद जैसे कि रेस्ट दे देते हैं, रेस्ट देना भी लाजमी होता है। अच्छा देव, माशाल्लाह आपने इतना अच्छा परिंदा रखा हुआ, और मैं देख रहा हूँ कुछ इसके अंदर नया कबूतर है, तो आपके उस्ताद कौन है जिन्होंने आपको परिंदों की समझ बूझ बताई, बारीकियाँ बताई हैं कि इस तरह का कबूतर लेना है और इस तरह जो है ना जोड़े में ये चीज़ें? हमारे उस्ताद हैं जोएब बलोच भाई, खरीबा जो है जी, मैंने अपनी शॉप में कवर किया, हमारे उस्ताद हैं, शुरू से उन्होंने सिखाया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और यहाँ पे वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, अख्तितामी वीडियो में देखने सुनने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? बस अच्छा शौक है, अच्छे तरीके से करें इसको, ज़्यादा बेहतर है, कोई बोल नहीं है, साफ़ सुथरा शौक है हमारे, और यही शौक है, इंशाल्लाह चलते रहेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके बताएँ क्या देखना चाहते हैं, तब तक के लिए खुला जी। तो दोस्तों ये इनके बर्ड्स हैं जी, खोलिए। उसैब भाई थोड़ा सा बताइएगा, ये जो अलहदा खड़े हुए हैं ये क्यों खड़े हुए हैं? ये असल में इनका जो है दाने का टाइम हो गया। अच्छा में ये। अच्छा, कुछ पट्टे और कुछ बड़े मिक्स हैं इसके अंदर। अच्छा, ये भातियाँ देखे निकले। करबलाई देखें, वी बना हुआ है पूरा पेटे पे। अच्छा, बहुत कबूतर देखे होंगे आपने, बहुत सब कुछ देखा होगा, बहुत काबरे देखे होंगे, लेकिन घाघरी काबरी मादा नहीं देखी होगी। घाघरे काबरे नर देखे होंगे मेरी बेशतर वीडियोस में, हर जगह हर छत पे, लेकिन घाघरी काबरी मादा नहीं देखी होगी। ये रही, ये हाँ चप बनी हुई है।
बबरा कंडेदार देखें, ये घाघरा काबरा देखें गुलदार है, ठीक है, और ये घाघरा काबरा नर है, ये मादी है। सबस काबरी देखें, अच्छा दो बच्चे दिखाता हूँ मैं आपको, आप उनको देखें, एक तो ये रहा, ठीक है, पहले आप देख लें दोस्तों, एक ये है और एक ये रहा, ये दोनों दोस्तों भारतीय के बच्चे हैं, देखें ये जब 10 का पाक करेंगे ये आप तभी सभी जो है ना वो हैरान हो जाएंगे, ये 10 का पाक करने के बाद अपने रंग रूप में आएंगे। ये जर्दबंद है, ये है जर्दबंद जो मैं कहता हूँ, खैरे देखें सर के ऊपर आके जोग इनका रुका हुआ है। एक इसके अंदर करबलाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल वी बना हुआ, ये रहा, घाघरे शिराजी, वो पट्ठा देखें वो बड़ा होके बिल्कुल जो है ना काला हो जाएगा, लाल बन, अब हम आपको इनका एक ब्रीडिंग सेटअप दिखाते हैं। एक और जगह इनका ब्रीडिंग सेटअप है, पहले ये वाला देखें, ये इनका पूरा सेटअप है, ठीक है, केजिंग जो है वो इस तरह से की हुई है, ये करबलाई का जोड़ा क्रॉस किया हुआ है, अंडों पे बैठा हुआ भातिया करबलाई है, ठीक है, घाघरा भातिया करबलाई और अमीरी करबलाई कश्मीरी मादा है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम ज़्यादा। ये कश्मीरी का जोड़ा है, लालबन मादा है, घाघरा नर है, ये भी अंडों पे बैठा हुआ शायद, हाँ अंडों पे बैठा हुआ, ये काबरे का जोड़ा, एक और लालवन काबरों का जोड़ा, ये दो बच्चे निकले हुए, और ये लाल करबलाई है और अमीरिया करबलाई मादा है, जिसका एक लाल करबलाई बच्चा निकला हुआ, एक ही बनारसी का जोड़ा है, चेहरे मोरे के बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं, ये देखें जोड़ा, ये है देखने वाला जोड़ा, ये है जरदबंद खैरों का जोड़ा, एक बच्चा भी निकला हुआ, ये है जरदबंद खैरे, देख रहे हैं दोस्तों करीब से, जरदबंद खैरे कहलाते हैं, एक जोड़ा ये है बनारसी का,
ये एक और कश्मीर अगरबलाई, लाल करबलाई है, और इसके साथ ये लालवन और काले करबलाई का क्रॉस जो है वो मादा है, कश्मीर जोड़ा है। ये देखें सफाई, देखें पिंजरे की भी और बर्तनों की भी। एक पिंजरा इनका यहाँ पे केज जोड़ेगा। ये कश्मीरा जोड़ा है, खैरा पुराने कट के लालबंद कहलाते हैं ये। और ये चीज चेक करें, कुछ लोग रोशन बबरे भी कहते हैं, लेकिन रोशन बबरे हैं नहीं, ये कश्मीरे का कबूतर है। एक ये कश्मीरा जोड़ा है, एक बच्चा है, वो देखें घाघरा खेरा है और लालबन मादा है। ये दो भेड़ हैं बनारसियों के, इनके बच्चे दो ये निकले हुए दो इसके नीचे इसके, और ये दो इसके। और ये खेरी माता चल रही है, माता खेरी। घाघरा देख रहे हैं आप किस तरह कदर हसीने और काले कुंदे का हो रहा है। ये है इसका तीन बच्चा, इसका बच्चा ये रहा। ये पट्टे कुछ अलग कर दिए हैं, अलग कर दिए। डाइट देख लें ये दाने में क्या दे रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, वो एक मुझे अच्छी चीज लगी, ये देखें ये ड्रम के ऊपर जो है वो नंबर लगे हुए, ठीक है जी, इतना इतना दाना आता है, इतना इतना दाना आता है। ये ज़बरदस्त चीज़ है, वो साइड में इन्होंने मट्टी रखी हुई ताकि वो उधर जाके कोने में खाते रहे। ये खेरा जो है ये कश्मीरा है, बनारसी कट पे हो रही है। ये खाल देखें गुलों में, अमीरिया खाल, खाल चप। ये चीज चेक करें, ये घाघरी काबरी जो है ये आपकी घर की पट्टी है या जोड़ों की कबूतरी है, इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल के साथ बने रहिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो दोस्तों एक और सेटअप है इनका, ये जोड़ों का। अच्छा, जो एक मैंने आपको ज़रतबंद खाल ज़रत गुलों में खाल चप दिखाया था, उसके माँ बाप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये चप मादा जो है उसकी माँ है और बाप उसका ये रहा। ये बैठा वंडो पे। और इस पैर की खासियत ये बताएंगे, पैर की खासियत थोड़ी सी बताइएगा। पैर की खासियत ये है कि क्रॉस ब्रीडिंग जो आपने की, हर सीजन जो है ना अलग अलग बच्चे निकालता है। अलग अलग कैसे कैसे निकाले हैं आपके पास? जैसे जब आपने वहाँ देखो सिर्फ खाल निकाले हैं, दूसरे तरीके के सही, तो अलग अलग बच्चे निकालते रहते हैं। अब अबील भी मारे होंगे जोड़े ने। अब अबील भी थे, वो जो है ना सीजन में कुछ मर गए, वो बीमारी हो गई थी मर गए। अच्छा अच्छा, अबील भी इसके बच्चे निकाले माशाल्लाह से। माशाल्लाह, एक खैरा दिखा रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर कशपरा, ये देखें। लालबंद देखें, इसके बच्चे हैं लालबंद, ये कशपरे के बच्चे हैं। लाल खाल लाल गुलों में और ये इनकी 3 साल बाद कबूतरी वापस आई है। ये पीले जिसने बाने पहने हुए मजीर से वापस आई है। अच्छा कल आई है। ये लाल खाल का पेड़ है जी। कलर का देख रहे हैं दोस्तों, शार्प कलर है। ये तिल भी डाला हुआ है इन्होंने, सर्दियां हैं। ये मादा चेक करें, I tried so hard.